दोस्तों, मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी बिकी ट्रेडर्स वालों के पास। और मेरा गला हल्का सा ख़राब है और आज टाइम भी बहुत ख़राब चल रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, आज तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी तक शायद एक ही वीडियो अपलोड हुआ होगा 12 बजे तक। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे धन गुरु नानक भैया जी, धन गुरु नानक। अरे घर वाला टाइम खराब चल रहा है, अभी तक एक वीडियो सुबह से अपलोड हुआ, मुझे गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि ना ग्राहकों का जो मेरा व्यूअर है उनको तो खुशी होने, मैंने एक दो बार नोट करी है, कहीं आड़ती आग से बस सुलूक ही करते हैं आप, उनके पास क्यों जाते हो? मैंने एक दो वीडियो देखी, ऐसों के पास मत जाओ ना जो आपको तू तू करके बात करते हैं। अभी देखो, मुझे ना उतना आग से भी ऐसे बात नहीं करते जैसे आपसे करते हैं। हाँ मुझे पता है, भगवान है ना, वो तो पता है मुझे, प्यार मोहब्बत में कुछ भी करे पर हमारे भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस देखो, जो भी है भाई, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, बोलने दो, बोलने वाले बोलते हैं, भैया भी सही बोल रहे, मैं क्यों जाता हूँ, मगर आप लोग के लिए आ जाता हूँ। जैसे वे अमरूद के एरिया में करते ही है लोग। तो चलिए, आप माल देख लिया, तो चलिए बाबूजी के पास पहुँचते हैं। और बाबूजी इधर बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम लोग व्यापारी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से आए हुए? हम मोपाल से। मोपाल, क्या नाम है आपका? मेरा बबलू यावलकर करके नाम। ओके ओके, तो कब आए हुए यहाँ पे? हम कल ही आए। ओके, हम गाड़ी भी लाए संतरे की। ओके, गाड़ी भी। तो ये आया हुआ है, तो कौन सा मार्का है ये? ये मार्का 41 मार्का। 41, भाई देखो भाई, ये बहुत टाइट माल है ना। ओके ओके ओके, तो आपका ये कंपनी है या नहीं? हमारा खरीदी है। ओके ओके, खरीदी है, खरीद के हम इकट्ठा करके माल गाड़ी में लोड करके यहाँ भेजते हैं, और ये माल भेजते हैं। आपका ही वीडियो देख के हम माल इधर में, हमको मालूम हुआ कि दिल्ली में माल अच्छा बिक रहा है। अच्छा बिक रहा है, उसी कारण हमने इनसे कांटेक्ट किया। ओके, कांटेक्ट जो आप देते हैं उसी से फोन लगाया। ओके ओके, उससे बात कर रहे हो, ये रेट है। हमने परसों नरसों गाड़ी भरी। ओके ओके, कल यहाँ पे आ गए। आगे तो रेट तो जेन्युइन होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो किराया भाड़ा का खर्चा तो बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों कोई रेट बताते, मान लीजिए 1200 का रेट है। हाँ। तो उसमें कितना रुपए खर्चा, मतलब 15-20 रुपए कैरेट के बीच खर्चा आता है, कम से कम 300 रुपए। 300 रुपए, 100 रुपए की कैरेट चली जाती है। हाँ। 100 रुपए भाड़ा चला जाता है। हाँ। 100 रुपए में अदर खर्चा रहता है, अदर खर्चा, पेपर है, रद्दी ये है। ओके ओके, तो और भी तो खर्चा है ना, जैसे आने जाने का यहाँ पे और भी खर्चा लगता है, क्रॉसिंग का खर्चा अलग। हाँ, वो भी, उसका भी तो जोड़ी है, बाहर निकालना, खेत के बाहर। हाँ, रास्ता खराब रहता है, उस ट्रैक्टर से निकालो। हाँ, छटाई करो, तो उनका क्या, उसका कितना, उसका 50 रूपए चलता होगा। हाँ, उसका 50 रूपए, तो 60 रूपए। हाँ, तो मान के चलिए 350 रूपए, 360 रूपए खर्चा है। 60 रूपए। ओके ओके ओके, तो ये पूरा दाना नहीं ना, 41 बिकेगा वो। हाँ, हाँ। ये 500 बिकेगा, ये 600 बिकेगा, उसमें भी खर्चा आएगा। हाँ हाँ, सब तो वो 2-3-4 नंबर वाला संतरा जो है। हाँ, 91 वाला हो गया। हाँ, 205 नंबर हो गया, 215 हो गया। हाँ, हाँ। उसमें तो वो फ्री में देना पड़ता है, ऐसे मान के चलो फ्री में 100 रूपए कैरेट या 50 रूपए कैरेट उसका बचता है। बचता है, तो ये आगे वाले जो संतरा रहता है उसमें से वो माइनस होता है। वाह, माइनस होता है। हाँ। ओके ओके, तो मतलब ये मान के चले जो एवरेज है काफी कम होता है, मतलब मार्जिन बहुत कम रहता है संतरे में। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो संतरे के किसान आज वीडियो देखेंगे आपके, अड़ोस पड़ोस के लोग, तो क्या उनको क्या कहना चाहेंगे? संतरा भेजना है तो संतरा अच्छा करके उसको पानी रेडिंग करके। हाँ, okay. जो छटाई मार के। हाँ, उसके पैसे बनाओ। okay, okay. कास्तकार से विनती है। okay, okay. कुछ भी संतरा ऐसे तोड़ने को आया बगीचा और तोड़ डाला। हाँ, वैसा मत। okay, बढ़िया माल का डिमांड है यहाँ, बढ़िया माल का डिमांड। तो कौन सा माल का दिल्ली में डिमांड है बता दीजिए। 141, 191, 171। हाँ, भाई ये तीन दाने का, तीन दाने के डिमांड है। डिमांड पैसे कुछ बचेंगे, बचेंगे पैसे माइनस में आ जाएंगे अगर हम 205 215 का दाना डालेंगे। बिल्कुल माइनस में आ जाएंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि खर्चा वही पड़ता है, वही खर्चा है। हाँ। 360 रूपए, 300 से लेकर 360 रूपए का खर्चा है। ओके, अगर उसमें अगर माली बेचता है यहाँ पे शायद 205 दाना शायद 500 रूपए 400 रूपए जाता है। हाँ, तो उसमें 350 रूपए निकाल लो, 150 रूपए तो क्या बचेगा, वही तो। हाँ, तो आप, आपका नाम क्या है सर? दिनेश सांबारे। दिनेश सांबारे जी, तो आप भी लेके आए हो, तो कितना क्रेट आया हुआ है? 547। ओके ओके, आप भी आए हुए हैं। तो आपका नाम? हमारा मैनेजमेंट का काम है, जैसे आप, हमारे यहाँ क्या होता है किसान उसमें मैनेजमेंट प्रॉपर करता नहीं, इसलिए नहीं कर पाता, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम और
उसने अगर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर किया ना तो ऐसी क्वालिटी उनको मिलता नहीं। ऐसा कितना संतरा आना चाहिए, साइज क्वालिटी, थ्री स्माइट का अटैक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है स्प्रे और न्यूट्रिशन के कारण। उन्होंने प्रॉपर ये मैनेज किया तो उनको रेट भी एक्सलेंट मिलेगा, बगीचा भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे उनका हम भी उनको ज्यादा रेट दे सकते हैं, हमको भी आगे से रेट अच्छा मिल सकता है। मोस्टली फार्मर ये ध्यान नहीं देते क्वालिटी कैसे बनाना, सबने फार्मर ने अगर क्वालिटी पे ध्यान दिया ऑब्वियसली वो भी पैसा कमा सकते, हम भी पैसा कमा सकते, आगे वाला भी उसको क्वालिटी मिल जाएगा, मिल जाए छोटी चीजें क्वालिटी मिल जाए। मतलब इनको जानकारी भी तो कम होगा ना इनको, दिल्ली में कौन सा माल चाहिए, आपको माल चाहिए किस हिसाब से, इसका ये चिकना होना चाहिए, साइज होना चाहिए, क्या रेट बिकेगा, और उसमें स्वीटनेस कैसा आएगा, बिल्कुल आने के लिए उसको क्या स्प्रे करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या देना चाहिए, आरुफ्टिंग कैसा करना चाहिए, ये सब मैटर उसके ऊपर डिपेंड करता क्वालिटी का। okay, तो बहुत सारे लोगों को ग्राउंड लेवल पर नहीं पता, उनको बस खाली लगता है कि हमको रेट मिलना चाहिए, बट एक्चुअली क्या है उसके पीछे, किसको रेट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये सब वो लॉक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब गैप के लिए। ओके, मतलब जो 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 चीज की जानकारी चाहिए वो मिलते नहीं है इनको, बस रेट का पता होता है, रेट से तो कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ा गैप है किसान और ये व्यापारी और इसके बीच। ओके, उनको लगता है दिल्ली पे इतना 1200 रुपए कैरेट है, 1000 रुपए कैरेट है, बट वो कौन सा कैरेट है, वो खाली 10 या 20% आता है। ओके, और 50-70% मीडियम वाला आता है, वो कॉन्सेप्ट पकड़ के देते नहीं, वो इतना महंगा है 70-80 रुपए, गैप खाली का है, वही नॉलेज का, नॉलेज का है, जानकारी नहीं है, मेन बात है। और यहाँ पे तो चूरा इधर लाना नहीं पूरा था, वहाँ पे बिकना पूरा था। ओके, बिल्कुल। तो बट इतने बार तो खर्चा तो वही है उसको ट्रांसपोर्टेशन का, और वो चूरा जाता भी नहीं, कई बार वो फेंकना भी पड़ता। ओके, फेंकना। ये सब व्यापारी के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, उसको पैसा कमाने का, फार्मर के लिए भी चैलेंज है। ओके, और जो बेच रहे उनके लिए भी चैलेंज। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आके माल देख के बेचे, मतलब गाड़ी के साथ आए, या ना वहाँ से माल बेच के फायदा है? किसान नहीं है यहाँ के बेच सकते, किसान आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि है ना मैन पावर बहुत लगता है। हाँ, मैन पावर बहुत, मैन पावर नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ, जो तुड़ाई वाले जो संतरे जो करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले नहीं है। ओके ओके, किसान वही बेचेगा। ओके, किसान से यही कहना है कि वो अच्छा माल तैयार करे। हाँ, उसकी छटाई मार के पैसे कमाए। ओके ओके ओके, अगर छटाई करके दे तो बढ़िया रेट मिलेगा, और नहीं तो रेट नहीं मिलेगा उतना बढ़िया, क्योंकि दिल्ली में अच्छा माल का भाव है। बढ़िया माल, जो बुरे माल आते हैं, जैसे सस्ते माल आते हैं, उनका कोई रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। ओके ओके, तो काफी अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करते हुए, तो अभी चलते हैं बाबूजी। जियोग्राफिकल नागपुर का जो ऑरेंज है वो फेमस है, आप टेस्ट करके देखो ऑल ओवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का जो क्वालिटी है टेस्ट में डिफरेंट है, दिखेगा बिल्कुल बाकी जगह तो थोड़ा सा और क्वालिटी अगर बनाते तो ऑब्वियसली हमको रेट ज्यादा मिलेगा। ओके, और फार्मर के लिए बहुत अच्छा हम रेट दे सकते हैं। तो गाइस देखो, ये व्यापारी भाई लोग थे, काफी अच्छा लगा बातचीत करते हुए। तो चलिए अभी बाबूजी से बातचीत करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम, आप लोग तो आते ही रहेंगे शायद। धन्यवाद सर। चलिए बाबूजी आ गए, नमस्कार बाबूजी, धन्य गुरु नानक। नमस्कार जी। तो बाबूजी ये बताइए, फोन तंग कर रहे हैं मेरे। तो बाबूजी किसी व्यापारी से तो बात किया, बहुत अच्छा लगा आज बातचीत करते हुए, और इन्होंने बताया जो इनका नॉलेज नहीं था, दिल्ली आके पता चला। और बताइए, आप बताइए सर, आपको आज मार्केट में कैसा क्या है? गाड़ियाँ तो बहुत ही 30-40 लगती रहेगी। अब ये लोड कम नहीं होगा। ओके, लोड इसलिए कम नहीं होगा कि इस टाइम करा रहे हैं। ओके, हर व्यापारी को माल तोड़ रहे, बाकी ये माल के ऊपर जिसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी, जिसके माल अच्छे होंगे, ओके ओके, वो तो बिकेंगे। बाकी बाजार 141 की 800 से लेके 1100, ओके, बहुत बढ़िया है, तो 1200 पोजीशन है, यही है। इससे ऊपर की नहीं है, क्योंकि माल अवेलेबल अभी भी आए। एक घंटी दो इधर नजर मारू, आप संतरे देखो कितने बड़े ना, आज तो बहुत संतरे है। संतरे बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत संतरे दिखाई दे। सारा चक्कर है कि अगर ये क्लियर नहीं होते, जब ये क्लियर नहीं होंगे तो ये कल दोबारा इसको बेचे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे ग्राम टूट रहा है, टूट रहा है। जो आज लेके जाएगा, ओके, वो जाके रखता है तो इसके बाद 2-4 दाने दागे निकलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जिस खरीदार को अगर 10 क्रेट चाहिए वो 5 ले। ओके, आपका एक दाना भी दागे नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, खरीदारों को मैं हाथ जोड़ के अपील भी करता हूँ, बिल्कुल, कि भाई अगर मेरे को दूसरी दुकान से कोई लेना देना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी दुकान जानता हूँ। ओके, आप अपना क्रेट एक लेने वाले हो, मैं नहीं पूछ रहा। ओके, आप 10 क्रेट लेने वाले, मैं नहीं पूछ रहा। ओके, आप पीछे जाओ या क्रेट यहाँ लाओ। ओके, उसका ढेरी करो। बिल्कुल, भगवान ने आपको वाहेगुरु ने 2 आंखें दी हैं,
चार आंखें कर लो, उसको डेरी करके लो, अगर इसमें दागी है मेरे से मत लो, कहीं और से जाके लो, क्योंकि जो माल दूसरे दिन बना के दे रहे हैं लोग, उससे हमारी दुकानदारी खराब होती है। हम ताजा माल भूख के जाएंगे चाहे 500 का भूखना पड़े, खत्म करके जाएंगे, रखेंगे नहीं, रखने से हमारी दुकानदारी दूसरों की तरह हो जाएगी। तो हम इसलिए उसको बेच के राजी है। ग्राहक चाहे कुछ ही भागा मांगे, उसके अंदर ताकत 800 की है तो वो 800 बोलता है, क्या उसको हम धक्के मारे, हाथ जोड़ देते हैं उसे, भाई बिल्कुल आगे देख, जब वो चोट खाता तो ये दुकान याद आती है। ओके। यार ये संतरे की जो दुकान है वो मजबूत है, मजबूत है, मैं इतना तक कह देता हूँ तुम्हारे को ज्यादा चोट पड़ती है घर से वापस ला दो, खत्म कहानी, तुम्हारा मेरा झगड़ा क्या, आने जाने का भाड़ा मैं दे दूंगा, तुम्हारी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी, मगर हम ऐसा काम करें क्यों, आप ढेरी करो ना, ये अपने आते हैं, उसने लिया, उसने लिया बाबूजी 5 मेरे को, तूने जब देखा ही नहीं तो तू क्यों ले रहा 5 के रेट, आगे तो खोल ले, तो सुबह से मेरे को 3 गाड़ी है, ऊपर वाले की रहमत से मैंने सारा माल बेच दिया, चाहे मंदा बेचू चाहे तेज बेचू, अब लोगों की तरह हम नहीं बेचते, लोगों की तरह संतरे पड़े, वो ना बेचे, कल वो बेचेंगे मेरे से भी 100 रुपया 200 रुपए कम बेचेंगे, क्या मतलब हुआ, आज क्यों नहीं मंदा बेच रहे हो, आज ही बेच दो ना, कल को आए या ना आए वो व्यापारी के हाथ में, बाकी 11 के तो मैंने खुद देखा है यहाँ पर, जो भरत हम बेच रहे हैं दूसरे दिन ये 200 मंदा बेच रहे हैं, वो गलत है, जो मंदा करना आज ही कर दो, दिवाली कमानी है कमाने दो इन्हें, अगर कोई मंदा नहीं बेचने वाला, सब अड़के बैठे हुए, तो भाई अड़के बैठे अपने लिए, मेरी दुकान जैसे चलेगी मैं चलाऊंगा, तो इसलिए कहते हैं जी अपना माल जो है मेरे पास ये 70 पड़ा है, ये 41 पड़ा है, अगर 10-20-30 के रेट रह भी जाते हैं वो तो अलग बात है, ये क्या गाड़ी की गाड़ियां बैलेंस पड़ी है लोगों की, तो वो नुकसान है, उस नुकसान से बचने के लिए ना इनको मंदा लुटाना चाहिए, अभी व्यापारी हमारे पास बिल्कुल देखा भी बात भी किया, मोपा के व्यापारी है अच्छे व्यापारी है मगर इनको ग्रेडिंग बनाने नहीं आती, अभी मैंने उनको समझाया, इनका भाई मेरे पास ग्रेडिंग लाओ, क्वालिटी लाओ तो मैं बेचूंगा, अदरवाइज मेरे पास मत लाओ, बड़ी दुकानें यहाँ से लेके वहाँ जिस मर्जी को क्या, ये संतरों की दुकानदारी खराब हो जाती है, ग्राहक रुकता नहीं है, अच्छे संतरे ले जाएगा वो दोबारा आएगा, रेट का तो देखो जी जो है सो है, खरीदार अपनी मर्जी से लेता है अपनी मर्जी से देते हैं, हम देते, बाकी भाई एक क्रेट वाला भी हमसे ले जाए कोई ऐसी बात नहीं, बाकी धन गुरु नानक जरूर बोले बिल्कुल, 71 जो है वो 700 से लेके 900 रुपए तक बिक रहा है, जो बहुत बढ़िया वो 1000 भी बिक रहा है, 1050 भी बिक रहा है बिल्कुल, बाकी है नहीं पोजीशन क्योंकि माल ज्यादा होने से पिटाई होगी, ओके, तो बाकी भाई संतरे जो अच्छे हैं वो अपने हिसाब से बिकते हैं, संतरे अपने हिसाब से बिकते हैं, ओके, जरूरी नहीं कि सारे एक रेट बिके, ऐसा कुछ नहीं, ओके, अब एक बगीचा 5000 का, एक बगीचा 2000 का, कैसे बिक सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हिसाब है, बाकी हम खरीदार को बोलते हैं भाई खोल के ले जाओ, इतनी मेहरबानी करो, इन्होंने खूब चोट खाई है, चोट खाने के बाद ही हमारे पास आते हैं तो हम भी चोट देंगे तो फिर फायदा क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेकार हो गया ना, ये गरीब तो लुट जाएंगे, बिल्कुल, बाकी भाई धन गुरु नानक जरूर बोले जो मेरे से माल ले जाते हैं, बिल्कुल बाबूजी, धन गुरु नानक, मेरा फोन नंबर 9811717111, तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्यापारी भाई लोग आए हुए माल लेने, धन गुरु नानक बाबू जी, धन गुरु नानक। दोस्तों मैं चिन्मय और फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी 18 नंबर शेड में, और यहाँ पे दिखाई दे रहे ये संतरे ही संतरे, और यहाँ पे ग्रेडिंग चल रहा है, और आज तारीख है 22 अक्टूबर 2024, और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आज सुबह जो वीडियो बनाया वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अभी 12 बजने वाला है और अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और इसी वजह से मैं क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या सिस्टम में ख़राबी हुई है, और एक ही वीडियो अपलोड हुआ आलू वाले सेट का, आलू का, और बाकी बहुत टाइम लग रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संतरे की जानकारी लेते हैं, तो भैया जी इधर दिखाई दे रहे, तो भैया जी से पूछते हैं आज का संतरे का क्या भाव है,
नमस्ते भैया जी। तो भैया जी बताओ कैसे हो? बढ़िया। तो सुबह से बाजार कैसा है? अभी तो 12 बजने वाला है। काफी डाउन है। डाउन है क्यों? डाउन क्यों हो गया? ओके, मध्यम ग्राहक है? ग्राहक है ही नहीं। ओके, वो तो सारे गए होंगे ना घूमने। तो ये बताओ, तो क्या रेट चल रहा है आज? एक नंबर का, एक नंबर आज हो गया है 45 रुपए। 10-12 रुपए नीचे आया हुआ है। ओके, दो नंबर का? दो नंबर का कोई रेट नहीं है, 40-45। ओके, तीन नंबर? तीन नंबर 25-30। ओके, चार नंबर? चार नंबर 20-22। चार नंबर। और पांच नंबर का? पांच नंबर निकला नहीं। निकला नहीं। और कौन सा साइज निकल रहा है आपका? चूड़ा? साइज चूड़ा निकल रहा है। चूड़ा क्या रेट है? चूड़ा 20 रुपए मान लो। 20 रुपए। ओके ओके। तो ये जो एक नंबर साइज है ना, ये तो एक नंबर का ये ऐसे क्या 141 बोलेंगे? 141-96 मिक्स है। ओके, 141-96 मिक्स है। और ये 171 जाना दो नंबर ना? ओके ओके। और ये है तीन नंबर? ओके, ये तीन नंबर है, ये चार नंबर है। भाई देखो साइज दिखा देता हूँ, किसी भाई को अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो भैया जी बताओ, कोई किसान अगर अपना वहाँ पे डायरेक्ट माल लोड करवाना चाहते तो कैसे लोड करवाए? उसका पास मान लो खेत है, खेत में डायरेक्ट माल है, वो डायरेक्ट ऐसे जैसे माल आ रहा है क्रेट में भर दे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से वो उसे पता चले? आपका है, आपका जो है जान तो नहीं है, वो डायरेक्ट खुद ही करते हैं वहाँ पे, जो महाराष्ट्र के जो ट्रांसपोर्टर है। हाँ, वो खुद ही करते हैं। ओके ओके, मतलब वहाँ के लोगों को करना होगा खुद इसके लिए। ओके, जो वहाँ पे लोकल एरिया के वहाँ मिल जाते हैं? मिल जाते हैं। ओके ओके, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। 9315-62926। ओके, तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया जी। दोस्तों मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ 19 नंबर शेड में, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है तरबूज, और बाबूजी इधर दिखाई दे रहे हैं, और इनका पास देखो ये चार दाना है, और यहाँ पे तीन दाना। देखो भाई ये तीन दाना का साइज है, चार दाने का साइज है, और माल देखो बहुत ही बढ़िया माल दिखाई दे रहा है। तो चलिए, नमस्कार बाबू जी। तो बाबू जी बताइए क्या रेट चल रहा है, कितनी गाड़ी आई है? चार दाना 26 रुपए। हाँ, और तीन दाना 26 रुपए, चार दाना 24। ओके ओके, कितनी गाड़ी आई हुई है? कितने गाड़ी आई हुई है? बारह तेरह। तो आज का जो आपके पास डिमांड कम है तरबूज की आजकल? ओके ओके, फेस्टिवल सीजन में बाकी चीजों के मुकाबले तरबूज की डिमांड कम है। ओके, तो आज आपके पास ये कौन सी गाड़ी है? ये उधर की महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की गाड़ी है? तो गाइस ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, आपको रेट का अंदाजा लग गया है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम शायद दिवाली बाद रेट बढ़ेगा। ओके, तो थैंक यू बाबू जी, आप बात करिए। तो भाई बाबू जी कल बिजी हो गए, और आपको पता चल गया रेट का जानकारी चाहिए था आपको, तो अभी बाजार हल्का सा सुस्त है।